हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं साधारण ब्याज का दूसरा वीडियो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। सबसे पहले तो आप जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट तो आप लोग रेगुलरली कर ही रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको कौन सी समस्याएं हो रही हैं। चलिए तो बढ़ते हैं वीडियो को लंबा ना करते हुए। कल के वीडियो में हमने सीखा था साधारण ब्याज के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। आज यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों से जहाँ पे एक अलग वैरायटी के क्वेश्चन होने वाले हैं। इस पूरे वीडियो में आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की जाएगी, यानी कि जब आपसे पूछा जाए, जैसे कि आप पहला प्रश्न पढ़ें तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे 10,000 की एक धनराशि 18% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। ठीक है, मैंने क्या बताया था, धनराशि मतलब कि जो हमने उधार लिया, ठीक है, 18% वार्षिक ब्याज मतलब इसका 18% हमें हर वर्ष चुकाना होगा ब्याज के तौर पे। ठीक है, हम जब भी किसी से पैसा लेते हैं तो कोई हमें मुफ्त में पैसा नहीं देता है। मैंने बैंक वाली बात की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम बैंक से पैसे उधार लेते हैं तो बैंक हमें क्यों पैसे देता है। देखो, जब बैंक हमें पैसा देता है उस पर वो हमें इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है, यानी कि ब्याज लेता है हमसे, और वही जो ब्याज होता है बैंक की कमाई होती है। कैसे कमाई होती है, जब हम उसे उस धन के बदले में कुछ रुपया देंगे तो वहां से क्या होगा, उसका इनकम जनरेट होता है। वही चीज है वार्षिक ब्याज का दर। तो कितने परसेंट से हमें देना है, 18%, 20%, 10%, तो इसी तरह से हम दर के हिसाब से उसे पैसा पे करते हैं इंटरेस्ट के रूप में। तो यहाँ पे 10,000 की धनराशि है, 18% वार्षिक ब्याज लगने वाला है, और प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा। तो अब आपको मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। पहले आपको वर्ष में कैलकुलेट करना होता था। अगर आप पिछले वीडियो को देखेंगे, जैसा कि आपको आई बटन में देखने को मिल रहा है, कि क्या होता था, आपको यहाँ पे वार्षिक ब्याज निकालना होता था। ठीक है, 2 वर्ष 4 वर्ष इस तरह से आपको प्रश्न में दिया रहता था, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है प्राप्त मासिक ब्याज। क्या कहा जा रहा है बेटा, मासिक ब्याज, यानी कि एक माह में। ठीक है, आओ देखते हैं क्या था हमारा फॉर्मूला ब्याज का। हमें पता है कि ब्याज का जो हमारा फॉर्मूला था, मूलधन यानी कि कितना है यहां पे 10,000। ठीक है, सिंपली हमने इसे लिख लिया। दर कितना दिया गया है, 18%, और देखो वार्षिक ब्याज की दर यानी कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, और यहाँ पे बट्टे में 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखो जो रिजल्ट यहाँ से निकल के आएगा वही होगा हमारा 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, 1, तो 1 वर्ष के लिए ब्याज निकल कर आएगा। कैंसिल आउट करिए यहाँ से इसे और इसे, कितना आएगा टोटल, 100 × 18, दैट इज 1800, 1800 रुपये निकल के आएगा, जो कि आपका 1 वर्ष का ब्याज होगा। कितने का होगा ये ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष का होगा, राइट। किंतु आपसे यहाँ पे 1 वर्ष के बारे में नहीं कहा जा रहा है, आपसे मासिक पूछा जा रहा है। यानी कि देखो क्या होता है, 1 वर्ष की अगर हम बात करें तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं बेटा, 12 महीने होते हैं। तो अगर मैं इस वैल्यू को 12 से भाग दे दूं, यानी 1800 को मैं डिवाइड करवा दूं कितने से, 12 से, तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे, अब आंसर मिल जाएगा कौन सा, कि यहाँ पे मासिक ब्याज जो होगा कितना लगेगा। और डिवाइड करते हैं, कितना आएगा यहाँ पे, 12 × 1 = 12, एक बार में जाएगा, बचेगा है बचेगा, फिर उसके बाद 12 × 5 = 5 बार में जाएगा, और यहाँ पे 0। सो 150 विल बी योर राइट आंसर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। तो जो काम बेटा देखो हमने यहाँ पे किया है, इसको बहुत ही गौर से समझने की जरूरत है, कि जो हमारा ब्याज 1 वर्ष का निकल गया है, क्योंकि यहाँ से फॉर्मूला डिराइव होगा, ठीक है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या निकाला, 1 वर्ष का बताया गया था, तो 1 वर्ष का मेरा ब्याज 1800 रुपये निकल कर आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या जा रहा था, मासिक ब्याज पूछा जा रहा था, दिया था वर्ष का और पूछा जा रहा था माह का, ठीक है, महीने का। तो हमने क्या किया, 12 से डिवाइड करवाया, तो हमें कितने महीने का पता चल गया, 1 महीने का पता चल गया। ठीक है, तो उसी तरह से अगर आप यहीं पे अपॉन में डिवाइड करवाते, कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी हम साधारण ब्याज का मासिक सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वो यहाँ पे मूलधन गुणे दर गुणे समय, ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ नहीं है,
ठीक है, ये समझने वाली चीज है। और अगर यहीं पे समझते समझते आपको अगर याद हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। गुणे कितना हो जाएगा यहाँ पे, 12 हो जाएगा। आई बात समझ में, क्या हो गया बेटा, 12 हो गया। ठीक है, चलो इसको मैंने, चलो क्या लिख देंगे यहाँ पे, 12। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि हमें एक महीने का निकालना था। ठीक है, अभी यहां से जो रिजल्ट निकल के आएगा, अगर आपसे 3 महीने का पूछा जाए आप 3 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 4 महीने का पूछा जाए आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई करवा दीजिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या किया है मैंने। दर जो बताई गई थी वार्षिक, ठीक है, वर्ष में बताई जा रही थी, वार्षिक ब्याज की दर थी, तो मैंने एक वर्ष का निकाला। अब मुझे पता है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 माह होते हैं। लिख लीजिए यहाँ पे कितने माह होते हैं, 12 माह होते हैं। तो मैंने इस पूरे ब्याज को 12 से भाग दे दिया तो मुझे कितना मिला बेटा, 150 रुपये मिला। ठीक है, और इससे अगर सूत्र डिराइव करने की कोशिश करें तो ये होता है आपका मासिक ब्याज का सूत्र। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ पे। देखो अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, यदि 6% के सरल वार्षिक ब्याज की दर पर, ठीक है, चलो दर कितना बताया जा रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, ये लिख लिया हमने। दर कितना बताया जा रहा है, दर की जगह पे लिख लीजिए 6, ठीक है, पर 8000 की रकम, कितनी, 8000, लो ये भी लिख लिया, 8000 भी लिख लिया। क्या किया हमने यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे 8000 और 6% दर, ठीक है, तो 3 महीने बाद कितना ब्याज कमाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे वार्षिक ब्याज की दर दी गई है बेटा, किसकी दर दी गई है, वार्षिक ब्याज की। तो अगर हम इस दर से निकालें साधारण ब्याज का सूत्र लगाकर, तो हमें एक वर्ष का ब्याज निकल कर आने वाला है। ठीक है, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने अभी आपको बताया है कि जब भी कहा जाए कि माह की बात की जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली 12 से डिवाइड करवाना है, तो आपको एक माह की वैल्यू पता लग जाएगी। तो आप क्या कर दीजिए, 12 से डिवाइड करवा दीजिए। अब उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे एक माह का तो पूछा नहीं जा रहा था, पिछले प्रश्न में और इस प्रश्न में अंतर इसी बात का है, यहाँ पे प्राप्त मासिक ब्याज पूछा जा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, 3 महीने बाद, कितने महीने बाद, 3 महीने बाद। तो बस कुछ नहीं, इसमें 3 का गुणा करवा दीजिए। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। कैसे होगा बेटा, हमने 3 का गुणा क्यों करवाया है, 3 का गुणा हमने इसलिए करवाया है बेटा क्योंकि 3 महीने बाद का पूछा जा रहा था, तो ऊपर हमने 3 का गुणा और करवा दिया। ठीक है, कैंसिल आउट कर सकते हैं आप लोग, 2 बार में कट जाएगा। यहाँ से आप चाहें तो 2 से काट दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे, 4000 आ जाएगा, 10 से ये वाला, ये वाले से ये वाला। ठीक है, टोटल कितनी वैल्यू निकल के आई, 40 × 3, और यही होगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे 120 रुपये कितना निकल के आएगा, 120 विल बी योर राइट आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर 4 में। क्या किया मैंने, साधारण ब्याज का मासिक सूत्र क्या होता है, बटे में 12 कर देना होता है। ठीक है, तो इससे हमें एक माह का पता लग जाएगा, क्योंकि प्रश्न में 3 माह का पूछा जा रहा था इसलिए मैंने करवा दिया है 3 का गुणा। तो हमें जो रिजल्ट निकल कर आया है, ये जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, वही वो होने वाला है हमारा राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट डाउन करके बताने वाले हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का ये 3रा प्रश्न है। तो मैं एक बार बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मूलधन लिखिए जो कि बताया जा रहा है 10000, राइट, देन उसके बाद 6%। देखो वार्षिक, सबसे ध्यान देने वाली चीज होगी, कभी कभी ये मासिक दर भी देता है। ठीक है, हम प्रश्न देखेंगे आगे जब हम एडवांस लेवल पे चीजें कर रहे होंगे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, वार्षिक दर। ठीक है, तो हमने क्या किया, दर की जगह पे 6 रख दिया। अब देखो, अगर एक वर्ष का निकालना होता तो सूत्र हमारा बस साधारण सा था, इसी तरह लिख देना था, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कितने महीने का, 9 महीने का, तो सबसे पहले 12 से भाग दे दिए तो कितने का निकल के आ गया, 1 महीने का, गुणा करा दिए 9 से तो कितना आ गया बेटा, 9 महीने का आ गया। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, 12 से सिंपली भाग दे देना है और जितने महीने का पूछा जाए उसको यहां पे मल्टीप्लाई करवा देना है। देखो
यहाँ पे भी क्या किया, 12 से भाग दिया, जितने का पूछा जा रहा था मल्टीप्लाई करवा दिया। आप चाहते तो यहाँ पे भी 12 से भाग देते और एक माह का पूछा जा रहा है तो एक से गुणा करवा देते, ठीक है। चलो हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपने थर्ड पे, ठीक है। चलो तो क्या करेंगे आप लोग, अब इसको खुद से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे कि यहाँ पे क्या आंसर आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये वाला पार्ट आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो होगा बेटा आपका इसी कॉन्सेप्ट पे है लेकिन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब देखो 300 का, ठीक है, कितने का 300 का 5% साधारण ब्याज की दर से, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ष माह ऐसा कुछ बताया नहीं गया है तो आपको यही समझना है कि ये वार्षिक दर ही है, ठीक है। कितना प्रतिशत बताया जा रहा है, 5% की दर से ढाई वर्ष, यानी कि 2 वर्ष और आधे वर्ष और, ठीक है, मतलब कि आधा साल और ढाई वर्ष, ठीक है, 2 होल 1/2 का ब्याज होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो आपको समझने वाली बात यह है कि ये जो समय दिया गया है आपको, ठीक है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले आप मूलधन की जगह पे रखेंगे मूलधन, ये हुआ, दर की जगह पे 5%, और समय आपका कितना है। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो ये ढाई वर्ष 2 होल 1/2 दिया गया है, कितना दिया गया है, 2 होल 1/2 दिया गया है। आप इसको क्या कह सकते हैं, देखिए एक साल में 12 महीने, तो 2 साल में कितने महीने हो जाएंगे, 2 साल में हो जाएंगे 24 महीने, ठीक है। और अगर इस आधे साल की बात करें, ठीक है, 1/2 मतलब क्या बेटा, आधा साल, तो इसको भी जोड़ दीजिए 6 महीने और, तो टोटल कितने हो गए, 30 मंथ्स हो गए हैं, कितने हो गए हैं 30 मंथ्स, 30 माह हो गए हैं। आप गुणा करवाइए 30 का और बटे में करिए 100, और यहाँ पे 12 का भी गुणा करवा लीजिए, बस बहुत सिंपल है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, यहाँ पे 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से 3 1 3 3 4 12 4 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करवा दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 3 15 कितना आ जाएगा, 150, यहाँ पे ये आ गया, और अपॉन में कितना हो गया बेटा, 4 हो गया, ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ से कैंसिल आउट करोगे कितना हो जाएगा, 4 से यहाँ पे 4 3 12 कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा, 3, तो 4 7 28 और यहाँ पे 5 टाइम्स में, ठीक है। यहाँ पे आई होप कि आंसर आपका होने वाला है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, 300 का 5% साधारण ब्याज की दर से इतने में ब्याज कितना होगा, यहाँ पे 37.5 होगा, ये ऑप्शन जो है वो गलत दिया हुआ है, क्या होगा, 37.5 होगा। एक बार अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो यहाँ पे 300 है, 5 है, और यहाँ पे कितने माह है, 24 और 6। आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो। चलो दूसरे तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। 300 है आपका, 300 गुणे कितना बेटा, 5, और गुणे एक साल का अगर हम लगाते, लेकिन समय 2 साल का लगा लेते हैं, और यहाँ पे 100, ठीक है, 1 0 से ये 0 ये 0 से ये 0 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 5 15 2 9 30 टोटल कितना हुआ, 30, ठीक है। अब आगे क्या है, आधा वर्ष, आधा वर्ष का मतलब 6 माह, ठीक है, तो आप यहां से लगा सकते हो 300 × 5 × यहां पे 6 महीने, यानी कि 6 और अपॉन में 12 ये, और यहां पे 100, ठीक है। और जिसको भी ये प्रोसेस नहीं समझ में आ रही है, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगी, अगर नहीं समझ में आती तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हो। यहां से कितना आएगा, 3 5 15 और 15/2, तो यहां से आपको निकल के आएगा 7.5, दोनों को ऐड कर दीजिए, 7.5 को 37.5 आपको रिजल्ट के रूप में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों मेथड से हमारा ऑप्शन आ रहा है 37.5, तो सही ऑप्शन क्या होगा, इस वाले ऑप्शन को आप लोग सुधार लीजिएगा, 37.5 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। इस वाले प्रोसीजर में मैंने क्या किया है, इसमें मैंने सिंपली ये किया है कि जब आपसे पूछा गया कितने का, 2 साल और आधे साल का और, तो मैंने पहले 2 साल का निकाल लिया, मुझे मिला 30, और आधे साल का निकालने के लिए मैंने 6 महीने और 12 से कर दिया यहाँ पे भाग, ठीक है, तो कितना है, 7.5, तो राइट आंसर जो होगा 37.5 आएगा। चलो यहाँ पे किसी ऑप्शन में था नहीं, ठीक है, गलतियाँ हैं, हो जाती हैं। चलो लगाते हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे जो आपको 3 वर्ष क्या बताया जा रहा है, 3 वर्ष और 4 मास लिखा हुआ है, यानी कि 4 माह, ठीक है, मास भी बोलते हैं, महीना बोलते हैं, ठीक है, और माह बोलते हैं।
कुछ नहीं करना है, सिंपली लिखिए 600 जो कि है आपका क्या बेटा मूलधन गुणे कितना दिया गया है यहाँ पे 10% वार्षिक ब्याज है, 10% हुआ और यहाँ पे कितना दिया गया है 3 वर्ष, पहले 3 वर्ष का निकालते हैं कितना आता है यहाँ से 0 से 0, 0 से 0, ठीक है टोटल कितना हुआ कैलकुलेट करने पे आएगा 60 और 3 180, ठीक है कितने का आया है 3 वर्ष का, 4 माह का अलग से निकाल लेते हैं तो 600 गुणे कितना बेटा 10 गुणे कितने का निकालना है 4 माह का और यहाँ पे सबसे पहले तो 12 से भाग होगा और 100 हो जाएगा यहाँ पे, देन 0 से 0, 0 से 0, ठीक है 4 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में और यहाँ से कितना आ जाएगा टोटल 20 आ जाएगा, ठीक है अब यहाँ पे ऐड कर दोगे अगर 20 को तो ओवरऑल कितना निकल के आया है 200 निकल के आया है, राइट इतनी बात आई, ठीक है कितना निकल के आया यहाँ से, सॉरी यहाँ से कितना आया 6 3 18 और 10 180, यहाँ से कितना आया 2 और 20, ठीक है तो कितना निकल के आया टोटल 200 निकल के आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अब देखो इस मेथड से हमने निकाला है कितना आ रहा है हमारा आंसर 200, ठीक है हो सकता है ऑप्शन में मैच ना कर रहा हो, इसका एक और मेथड हो सकता है कैसे 3 वर्ष 4 माह को अगर आप बदलते हैं सिर्फ और सिर्फ माह में तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे 12 से आप गुणा करवाएंगे 3 को तो 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा चलो यहाँ पे लिख देता हूँ ये यहाँ से हटा देते हैं 36 और कितना प्लस 4 दैट इज 40 माह हो जाएगा, कितना 40 माह या फिर 40 मंथ्स हो जाएगा, सिंपली कुछ नहीं करना है 40 ठीक है अपॉन में 12 होने वाला है यहाँ पे 100 रहेगा, कितना दिया गया है 600 दिया गया है गुणे करा देंगे किसका कितना प्रतिशत है 10, ठीक है अगर आपका ये वाला पार्ट जो है वो क्रैक हो जाता है ठीक है यहाँ पे आपने मंथ्स लिख लिया और यहाँ पे अपॉन में 12 लिख लिया तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो अब यहाँ से चेक करके बताओगे कि यहाँ पे आपको कितना आंसर मिलने वाला है, कई बार क्या है कि ऑप्शंस जो होते हैं वो आपको गलत देखने को मिलते हैं, इस क्वेश्चन में भी जो ऑप्शन है वो पूरे के पूरे गलत दिए हुए हैं तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, अगर आपकी प्रोसेस सही है तो आपका आंसर सही आएगा, जैसे कि यहाँ पे आंसर क्या देखने को मिल रहा है 200 देखने को मिल रहा है। सो आई होप कि इस वीडियो में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा और अगर वीडियो में कहीं पे भी आपको दिक्कत लगती है अगर कोई भी कॉन्सेप्ट या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कॉमेंट डाउन करके बता सकते हैं जैसा कि आप रेगुलरली कर रहे हैं, इससे क्या होता है कि पता चलता है कि जो आप लोग अपनी प्रिपरेशन के लिए कितने सीरियस हैं, ठीक है तो प्लीज इसी तरह से कॉमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिल जाता है कि हाँ वीडियोस देखे जा रहे हैं आप लोगों द्वारा पसंद किए जा रहे हैं तो थोड़ा सा एक अंदर से मोटिवेशन आता है वीडियोस बनाने के लिए। चलो तो इसी के साथ वीडियो को लंबा ना करते हुए मिलते हैं कल के अगले वीडियो में, ओके थैंक यू।